हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूजीपीजी कोर्सेज में तो हमारा आता ही है। इंडिफरेंस कर्व को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होती है। मीन्स पहले हमें यूटिलिटी ऑफ कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी का पता होना चाहिए। तो यूटिलिटी एक इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं यूटिलिटी, बट सिंपल टर्म्स की हम बात करें तो यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। कि जब भी कोई कंज्यूमर है, कोई पर्सन है, वो कोई भी गुड, कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, तो उस गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो उस कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो अमाउंट सेटिस्फैक्शन की जो मात्रा है, जो सेटिस्फैक्शन है, वही हमारी यूटिलिटी है। यूटिलिटी एक इकोनॉमिक्स टर्म है, इकोनॉमिक्स की भाषा में यूटिलिटी बोलते हैं, बट सिंपल नेम इसका सेटिस्फैक्शन है। कि जब भी कोई आदमी है, वो कोई भी गुड्स, कोई भी सामान कंज्यूम करता है, उसको खाता है या फिर पीता है, उसको कंज्यूम करने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो उसको संतुष्टि मिलती है, वही हमारी यूटिलिटी है। अब बात करते हैं कि यूटिलिटी दो तरह की होती है। फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी हमारी वो वाली यूटिलिटी है जिसको हम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, यह हम कह सकते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, जिसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 है कि हमें कितनी यूटिलिटी मिली। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ब्रेड कंज्यूम किया, तो ब्रेड कंज्यूम करने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, 1 यूटिलिटी मिली, 2, मतलब मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन जब हम उस सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी है। तो जब यूटिलिटी नंबर्स फॉर्म में मेजर हो, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। सेकेंड यूटिलिटी आते हैं हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल अपोजिट है कार्डिनल यूटिलिटी की। और दूसरी बात, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसको दिया है पाए, वो एक पॉपुलर नाम है, प्रोफेसर हिक्स। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स, ये पॉपुलरली इसी के द्वारा गिवन है, मतलब पॉपुलर जो नेम है वो प्रोफेसर हिक्स ही है। दूसरी बात, ऑर्डिनल यूटिलिटी है क्या? ऑर्डिनल यूटिलिटी, जब हम एक यूटिलिटी की कंपैरिजन करते हैं कि हमें किसके कंज्यूम करने से कहाँ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है या कम मिला है, कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ हायर और लोअर सेटिस्फैक्शन। कि जब हम यूटिलिटी को कंपेयर करते हैं कि कहाँ हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है और कहाँ हमें कम मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एप्पल कंज्यूम किया है, तो उससे मुझे 5 यूटिलिटी मिली है, या मैंने कोई ऑरेंज कंज्यूम किया तो उससे मुझे 4 यूटिलिटी मिली है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी बताता है कि हम यहाँ पे उसको नंबर्स फॉर्म में ना मेज़र करके हम ये चेक करते हैं कि हमें किसके कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, और मैंने ऑरेंज कंज्यूम किया तो मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिला। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि हमें यहाँ पर यूटिलिटी नंबर्स फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, मैंने कोई एप्पल कंज्यूम किया तो मैं क्या बताऊँगी मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, कि मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ 5 यूनिट्स में, 4 यूनिट्स में, कुछ ऐसे नंबर्स नहीं दे सकते ना ऑर्डिनल यूटिलिटी में। तो हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद उसको नंबर्स ना प्रोवाइड करते, नंबर्स नहीं प्रोवाइड करते, बट हम ये बता सकते कि एप्पल कंज्यूम करने से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला या मुझे ऑरेंज कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। तो हम ये बता सकते कि मुझे सेटिस्फैक्शन कम या ज़्यादा किस में मिला, बट कितना मिला और नंबर्स फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। तो ऐसा हमें बताता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी का। और ऑर्डिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स पॉपुलरली। और दूसरी बात, ऑर्डिनल यूटिलिटी में मतलब कि जहाँ पे हम चेक करते हैं कि मुझे कहाँ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और कहाँ सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, इसको हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, इसको हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी को। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का मतलब भी यही है कि जहाँ हम ये चेक करते हैं कि मुझे कहाँ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला और कहाँ कम सेटिस्फैक्शन मिला है, तो वो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी है, और उसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। अब ये तो हुआ हमारा यूटिलिटी ऑफ कंसेप्ट।
या फिर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। दो छोटे छोटे टर्म्स हमारी और हैं, एक तो होते टोटल यूटिलिटी और एक हमारी होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स TU, जिसको हम TU कहते हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी मतलब मैंने एक टाइम में जितने भी कंज्यूम किए गुड्स, उन सभी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी मुझे मिलती है वो मेरी होती है टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने ऑरेंज कंज्यूम किया तो 4 यूनिट्स का मिला, ब्रेड कंज्यूम किया तो 2 यूनिट्स का मिला, ऐसे मैंने कोई बनाना कंज्यूम किया तो फिर मुझे 3 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो मैंने इन सबको टोटल किया जब, तो मेरा TU कैसे निकलेगा? एप्पल का सेटिस्फेक्शन प्लस ऑरेंज का सेटिस्फेक्शन प्लस ब्रेड का सेटिस्फेक्शन प्लस बनाना का सेटिस्फेक्शन, तो 5 + 9 = 11 और 14। तो TU मेरी हो गई 14। मतलब टोटल यूटिलिटी की सारी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो मेरी यूटिलिटी टोटल बनती है, टोटल यूटिलिटी मेरी होती है TU। तो टोटल मीन्स टोटली, जितना आपको अलग अलग गुड्स कंज्यूम करने पर जो आपको यूटिलिटी, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, अगर हम उन सबका सम कर दें तो मेरी भी निकलेगी TU। अब एक और कॉन्सेप्ट था हमारा MU, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। तो MU क्या होता है? मार्जिनल, सबसे पहली बात, मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से, एक एक्स्ट्रा गुड्स कंज्यूम करने से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है या कितना सेटिस्फेक्शन मेरा कम हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑरेंज कंज्यूम किया था तो मुझे 4 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था, और मैंने कोई एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि मैंने जैसे ही, या फिर हम ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये भी है कि जैसे मैंने ऑरेंज कंज्यूम किया तो 4 यूनिट्स का मिला, मैंने एक ऑरेंज और कंज्यूम किया तो मुझे 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो मतलब उस गुड्स की एक यूनिट और कंज्यूम करने से जो मेरा सेटिस्फेक्शन है कितना इंक्रीज़ हुआ। फॉर एग्जांपल 4 मुझे, 5 मेरा अभी मिला है, 4 मुझे पहले मिल रहा था, तो एक जो है वो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है कि एक एक्स्ट्रा गुड्स कंज्यूम करने से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। तो मार्जिनल मीन्स एक एक्स्ट्रा मार्जिन में जो हमारा रहता है, तो मार्जिन मीन्स जो मार्जिनल आपका एक्स्ट्रा एक गुड्स कंज्यूम करने से, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कंज्यूम करने से आपको कितना यूटिलिटी एक्स्ट्रा मिला है, तो वो आपका होता है मार्जिनल यूटिलिटी। आपका एक ही गुड़ इंक्रीज हुआ यहाँ पे 4 से, एक ऑरेंज कंज्यूम कर रहे थे, एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, एक ऑरेंज के बाद जब आपने एप्पल कंज्यूम किया तो एप्पल कंज्यूम करने से आपको कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला है पहले वाले से, तो वो आपका होता है MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारे कंसेप्ट थे, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनल क्या है, TU क्या है, MU क्या है। क्योंकि आपको बेसिस क्लियर होंगे तो आपको आगे इन डिफरेंस कर्व समझने में बहुत इजी रहेगा। तब हम करते हैं डिफरेंस कर्व की बात। इन डिफरेंस कर्व को हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। इन डिफरेंस कर्व का दूसरा नाम आइसो यूटिलिटी कर्व है। इन डिफरेंस कर्व की सिंपल सी डेफिनेशन है कि इन डिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो हमें ये शो करता है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स, मतलब दो गुड्स हैं एक्स और वाई, तो उनका ऐसा कम्बिनेशन हो कि वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं कि अगर एप्पल है और एक गुड हमारा ऑरेंज है, तो जैसे ही कंज्यूमर ने एक एप्पल कंज्यूम किया तो उसको 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज कंज्यूम करनी पड़ी ताकि सेटिस्फेक्शन मुझे इक्वल मिले। बट अगर उसने एप्पल एक और कंज्यूम किया तो उसे ऑरेंज की यूनिट्स कम करनी पड़ी क्योंकि उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन शो करना है। मतलब अगर मैं एक सेब खा रही हूँ तो मुझे 10 ऑरेंजेस खाने के बाद उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट मैंने एक एप्पल अगर और कंज्यूम किया तो मुझे ऑरेंज कम करने पड़ेंगे। अगर मैंने सेम अमाउंट ऑफ ऑरेंज यूज़ किया तो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना मुझे मिलना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे इक्वल सेटिस्फेक्शन रखना है, जितना मुझे पहले मिल रहा है उतना ही मुझे इस कम्बिनेशन में भी मिलेगा। फिर मैंने 3 यूनिट्स कंज्यूम की तो मुझे अपने ऑरेंज की यूनिट 4 करनी पड़ी क्योंकि मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन लेना है। फिर मैंने अगर एप्पल की यूनिट 4 की तो मुझे ऑरेंज की यूनिट भी 3 रखनी पड़ी। तो इससे क्या हुआ कि मेरे जो ऑरेंजेस की यूनिट है वो कम हो रही है एप्पल की यूनिट्स इंक्रीज करने से। इसका मतलब ये है कि अगर एक गुड की हम यूनिट्स इंक्रीज करते हैं तो दूसरे की यूनिट्स हमें कम करनी पड़ेगी, बिकॉज हर जो एक एक जो कम्बिनेशन बन रहा है
जैसे 1-10 का जो कम्बिनेशन बना है, 2-7 का कम्बिनेशन बना है, 3-4 का बना है, 4-3 का बना है, ये चारों ही कम्बिनेशन हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर को। तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो ये शो करता है कि अलग अलग कम्बिनेशन, डिफरेंट कम्बिनेशन उस गुड़ के क्या होंगे जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे, एक मतलब बराबर उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए कंज्यूमर को, बट हमें अलग अलग कम्बिनेशन अपने गुड्स का यूज़ करना है। जैसे हमने पहले 1-10 का यूज़ किया, फिर 2-7 का यूज़ किया, तो कम्बिनेशन अलग अलग होंगे बट सबका जो मेन है वो सेटिस्फैक्शन इक्वल ही रहेगा। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व के बाद ये शेड्यूल में पोर्शन आता है हमारा। अब हम इसी शेड्यूल से हम बनाते हैं अपना आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। तो आईसी कर्व हमारा बनेगा, हम नीचे यूजेस करते हैं एप्पल लिखते हैं और ऊपर यहाँ लिखते हैं ऑरेंजेस। एप्पल है हमारे 1-2-3-4, 1-2-3-4, और ऑरेंजेस हमारे हुए 2-4-6-8-10। ठीक, तो हमें 1 एप्पल है तो 10 ऑरेंजेस है, मतलब समथिंग ये पॉइंट आएगा। फिर 2 एप्पल हुए, जब मेरे एप्पल 2 हुए तो मेरे ऑरेंजेस 7 हो गए, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट आएगा। उसके बाद जब मैंने एप्पल 3 कंज्यूम किए तो मुझे ऑरेंज 4 कंज्यूम करने पड़े, मीन्स ये वाला पॉइंट। और जब मेरे ऑरेंजेस एप्पल 4 हुए तो मेरे जो ऑरेंजेस हैं वो 3 रह गए, तो ये वाला पॉइंट। मतलब मेरा को जो आईसी कर्व है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये मेरा रहा आईसी कर्व। इसमें अच्छी बात, इसमें ये बात थी कि ये कम्बिनेशन जो मेरा है 1-10 का, ये भी मुझे सेटिस्फैक्शन उतना ही देगा जितना मुझे 2-7 दे रहा है, जितना 3-4 दे रहा है और जितना 4-3 दे रहा है। तो ये सारे ही कम्बिनेशन बिल्कुल इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर को। ये हमारा होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व होते हैं, एक छोटी सी बात और है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ये इंडिफरेंस कर्व है हमारा कि जो हमेशा डाउनवर्ड होगा और लेफ्ट टू राइट, मीन्स जैसे लेफ्ट हमारा ये वाला हैंड है तो लेफ्ट से हमारा राइट की ओर चलेगा हमेशा। इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट रहेगा और ये डाउनवर्ड रहेगा। तो ये इंडिफरेंस कर्व का सिंपल बेसिक सा मीनिंग है कि ऐसा कम्बिनेशन जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे, ऐसा डिफरेंट कम्बिनेशन। तो ये हमारा उस अलग अलग कम्बिनेशन से हम आईसी कर्व तैयार करते हैं। एक हमारा होता है इंडिफरेंस मैप। ये इंडिफरेंस कर्व है और इंडिफरेंस मैप हमारा होता है कि अगर एक ही उस पे ग्राफ पे हम बहुत सारे आईसी कर्व डिनोट कर दें तो वो हमारा इंडिफरेंस मैप कहलाएगा। इंडिफरेंस मैप विच शोज डिफरेंट विच शोज ग्राफ विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ आईसी, ये ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि इंडिफरेंस कर्व हमारा ऐसा इंडिफरेंस कर्व मैप, या इंडिफरेंस मैप एक ऐसा मैप है, एक ऐसा ग्राफ है जिसमें बहुत सारे आईसी कर्व होते हैं और सभी के सभी एक जो उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गिवन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये अपना सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा होता है इंडिफरेंस मैप, जो एक ही मैप पे बहुत सारे, एक ही ग्राफ पे बहुत सारे आईसी कर्व बने होंगे और हर एक ग्राफ, हर एक आईसी कर्व अपना सेटिस्फैक्शन प्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमारा इंडिफरेंस मैप। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल बेसिक सा मीनिंग हमने क्लियर किया है आईसी कर्व क्या है। और ये एक नोट्स फॉर्म में ही हमने जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ सकते इन चीज़ों को, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वही काम हम कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी है बट इन शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं हमारे अजम्पशंस ऑफ आईसी कर्व। आगे हमारे अजम्पशंस ऑफ आईसी कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये इन अजम्पशंस के बेसिस पर ही हम इंडिफरेंस कर्व प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है हमारी रैशनल कंज्यूमर। इसका मानना है कि जो इंडिफरेंस कर्व के अंदर जो कंज्यूमर है हमारा वो रैशनल है, मतलब वो समझदार है, उसे पता है कि मुझे कौन सी गुड्स कंज्यूम करनी है, कौन सी गुड्स कंज्यूम नहीं करनी। कंज्यूमर को पता है कि मुझे अपनी लिमिटेड इनकम में, मीन्स जो मेरे पास एक लिमिटेड इनकम है, मुझे इस इनकम में किस तरह से गुड्स कंज्यूम करनी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये अजम्पशन है कि कंज्यूमर रैशनल है, मीन्स कंज्यूमर समझदार है और वो समझदारी से अपने डिसीजन लेता है कि मुझे कौन सी गुड्स कंज्यूम करनी है, कौन सी गुड्स कंज्यूम नहीं करनी है, कौन सी गुड्स कंज्यूम करने से मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो रैशनल कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूमर यहाँ पर समझदार माना गया है।
सेकंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब वही है कि जहाँ पे जो है हम एक नंबर्स फॉर्म में नहीं कर सकते अपने सेटिस्फेक्शन को, हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी यूटिलिटी कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है या फिर ऑरेंज खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, तो मेरी आईसी कर्व के जंक्शन है। थर्ड है डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जस्ट अगर आप पॉइंट भी ध्यान रखते हैं तो पॉइंट भी आपको बहुत बेनिफिशियल करेंगे, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यूजीसी नेट पॉइंट और यूजीसी नेट एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि मार्जिनल रेट मतलब एक एक्स्ट्रा गुड्स कंज्यूम करने से हमें क्या फ़र्क हुआ, मार्जिनल तो वही होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है यहाँ पे कि अगर मैं एक गुड और एक्स और वाई गुड है हमारा, मैंने एक्स गुड की 1 यूनिट कंज्यूम की तो वाई की मैंने 10 यूनिट्स यूज़ की, मैंने जैसे ही एक्स की 1 यूनिट बढ़ाई तो मुझे दूसरे गुड्स की यूनिट कम करनी पड़ गई। मतलब हमारा जो यहाँ पे एक गुड, अगर मैं एक गुड की यूनिट बढ़ा रही हूँ तो मुझे दूसरे की कम करनी पड़ेगी, या दूसरे की जो मेरी वाई गुड्स की जो यूनिट्स हैं वो अपने आप डिमिनिशिंग मीन्स कम होती चली जाएगी, तो हमारा होता है डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक एप्पल पे भी 10 ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हैं और 2 एप्पल पे भी 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप एक गुड की यूनिट इंक्रीज करते हैं, एक गुड की यूनिट इंक्रीज करते हैं, दूसरे की आपको कम करनी पड़ेगी, तो वो मात्र डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारा पॉइंट है नॉन सेटाइटी। नॉन सेटाइटी मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं अतृप्ति, मतलब किसी भी कंज्यूमर को तृप्ति नहीं है, मतलब वो कम यूनिट में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। नॉन सेटाइटी का मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर को तृप्ति नहीं है, वो कोई भी कंज्यूमर है वो किसी भी गुड की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहता है। मीन्स कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम मोर यूनिट्स, कोई भी कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहता है। तो ये भी अजम्पशन है एक आईसी कर्व की कि कोई भी कंज्यूमर कम यूनिट्स में सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलता। जैसे कि उसको 1 यूनिट उसने एप्पल की ली और 10 यूनिट उसने जब ऑरेंज की ली तो वहाँ वो सेटिस्फाइड है, बट वो और भी यूनिट्स कंज्यूम करना चाहता है, तो वो हमारा एक अजम्पशन है आईसी कर्व की कि कंज्यूमर है वो तृप्त नहीं है एक कम्बिनेशन में, उसको और भी यूनिट्स कंज्यूम करनी है। तो उस ये है नॉन सेटाइटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंसिस्टेंसी इन सेलेक्शन। कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि वो अपना जो उसने सेलेक्ट किया उसमें कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर उसने ये देखा है कि मैं एक एप्पल की ज़्यादा ए गुड की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करूँगा बी से, तो वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा कि वो बी की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा ए से। मतलब वो अपने सिलेक्शन में अपने कम्बिनेशन में कंसिस्टेंट रहेगा कि अगर उसने एक यूनिट की ज़्यादा कंज्यूम की है गुड तो नेक्स्ट टाइम भी वो उसी की ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बी की कंज्यूम ज़्यादा नहीं करेगा। मतलब वो अपने सिलेक्शन में जो उसने अपना सिलेक्शन पोर्शन लिया है कम्बिनेशन लिया है तो उसमें वो कंसिस्टेंट रहेगा, जो उसने जिसकी वो ज़्यादा कंज्यूम करे तो उसी की ज़्यादा कंज्यूम करेगा, दूसरे की कंज्यूम ज़्यादा वो नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लास्ट लेवल की ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिविटी का मतलब ये है कि अगर ए है वो ग्रेटर देन बी है, मीन्स सच दैट बी ग्रेटर देन सी होगा, हम कह सकते हैं देन ए इज इक्वल टू सी है, बट अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी नॉट इक्वल टू सी है, बी इक्वल सी के नहीं है, तो इसका मतलब कि ए बी सी के इक्वल नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी है ये, ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है मीन्स ए सी के इक्वल रहेगा, और अगर ए ग्रेटर देन बी है बट बी सी के इक्वल नहीं है, यहाँ पे बी सी में रिलेशन है लेस देन ग्रेटर देन का, बट यहाँ पे बी सी के इक्वल नहीं है, जब बी ही सी के इक्वल नहीं है तो ए बी सी के इक्वल नहीं होगा। ये भी हमारे अजम्पशन है इसी कर्व की। सिंपल से हमारी 6 अजम्पशन है ये कि कंज्यूमर रैशनल है, ऑर्डिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, नॉन सेटाइटी है, अपने सिलेक्शन में कंसिस्टेंट रहेगा, वो लास्ट पॉइंट हमारा ट्रांजिटिविटी। अब बिल्कुल मेन टॉपिक है हमारे डिफरेंस कर्व से प्रॉपर्टीज़, कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं डिफरेंस कर्व की। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड जाएगा,
और लेफ्ट टू राइट जाएगा, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट हो गए राइट की तरफ जाएगा। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड रहता है और लेफ्ट टू राइट जाता है। इंडिफरेंस कभी वर्टिकल नहीं होगा, कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा और कभी भी अपवर्ड नहीं जाएगा, हमेशा डाउनवर्ड ही आएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड और लेफ्ट टू राइट ही जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है नेगेटिव स्लोप। जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक नेगेटिव स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व की नेगेटिव स्लोप है। थर्ड पॉइंट है हमारा कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि जब कन्वेक्स और कनकेव में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, कन्वेक्स जब हमारा राउंड होता है आउटवर्ड तो हमारा होता है वो कन्वेक्स कर्व, और जब हमारा अंदर की तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव। हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से हमेशा ही आईसी कर्व इनडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहता है, मतलब कि हमेशा वो बाहर की तरफ ही आउट राउंडेड रहेगा। तो वो हमारा होता है इनडिफरेंस कर्व जो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहेगा बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब यही है कि हम एक गुड एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं जब एक गुड की एक्स थी तो वाई की जो यूनिट है वो हमें कम करनी पड़ती है। मतलब अगर हम एक्स यूनिट को ज़्यादा एक्स गुड की यूनिट को गेन कर रहे हैं एक्स्ट्रा तो हमें वाई गुड की यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसी वजह से हमारा ये कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहता है। जैसे हमने पहले 110 किया था, उसके बाद 27 हुआ, तो 27 होने की वजह से एक हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम की 1 से 2 किया तो हमें ओरिजिन का सेक्रीफाइस करना पड़ा। उसी वजह से हमारा ये कन्वेक्स मतलब हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस और इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो इंटर आईसी कर्व हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ना ही आपस में कभी टच होंगी, क्योंकि दो आईसी कर्व का टच होना या इंटरसेक्ट होना वो रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ही आईसी कर्व हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। बट हर आईसी कर्व का अपना अलग सेटिस्फेक्शन होता है, तो कभी भी दो आईसी कर्व ना तो आपस में टच होंगे और ना ही आपस में कभी इंटरसेक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईसी टचेस नाइदर एक्स एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस। जो हमारा आईसी कर्व है ना तो वो कभी भी टच करेगा एक्स एक्सिस को और ना ही कभी टच करेगा वो वाई एक्सिस को, क्योंकि अगर उसने वाई को टच किया तो मीन्स वाई की डिमांड जीरो हो गई, तो ऐसा कभी होगा नहीं, और अगर उसने एक्स को टच किया तो एक्स की डिमांड जीरो हो गई। तो इसी वजह से आईसी जो टचेस है आईसी कर्व है वो ना तो कभी टच करेगा एक्स एक्सिस को और ना ही टच करेगा कभी वाई एक्सिस को। ये भी प्रॉपर्टी है, आप चेक करेंगे 2019 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी से, इसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि वो टच करता है या फिर नहीं करता है, किसको टच करता है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी से 2019 में, पेपर टू इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है आईसी नीड नॉट टू बी पैरेलल ईच अदर। जो दो आईसी कर्व हैं वो जरूरी नहीं है कि दोनों पैरेलल ही होंगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के ऊपर। अगर हमारा दोनों जो सब्सटीट्यूशन है वो सेम रेट से है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एप्पल की 1 यूनिट कंज्यूम की थी ऑरेंज की 10 की, मैंने एप्पल की 2 की तो ऑरेंज की फिर मैंने 7 की, अब मैंने कितना सेक्रीफाइस किया 3 का, तो नेक्स्ट टाइम भी 3 का ही रहे, अगर 3 से जो है वो 4 रहे, अगर सेम सेक्रीफाइस या सेम जो हमारा प्रोपोर्शन चल रहा है तो हमारी जो आईसी का वो पैरेलल होंगी। जैसे 1 से 10 हुआ, 2 से 9 हुआ, 3 से 8 हुआ, तो अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम की तो एक हमने यूनिट सेक्रीफाइस की, एक और कंज्यूम की तो एक और सेक्रीफाइस हो गई। तो अगर सेम हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है तो पैरेलल हो गया, अदरवाइज पैरेलल नहीं हो पाए आईसी कर्व। तो अगर दोनों आईसी कर्व सेम रेट से डिमिनिशिंग हो रहे हैं तो पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट आता है हमारा हायर आईसी कर्व इंडिकेट्स हायर सेटिस्फेक्शन। मतलब एक हमारा इंडिफरेंस मैप है उस पर हमारे बहुत सारे आईसी कर्व हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला आईसी कर्व होगा मीन्स जो सबसे हायर जो आईसी होगा वो हमें हायर सेटिस्फेक्शन शो करेगा। जो हमारा
ऊंचा आईसी कर्व होगा, ज़्यादा आईसी कर्व जो हमारा होगा वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन शो करता है। हायर आईसी कर्व शो हायर सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी 6 से 7 प्रॉपर्टी हैं कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोप रहेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा, और कभी अपवर्ड नहीं जाएगा, कभी वर्टिकल नहीं होगा, कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, नेगेटिव स्लोप रहेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न सब्स्टिट्यूशन की वजह से कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहेगा। दो ऐसे कर्व कभी टच नहीं करेंगे एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, और मे बी पैरेलल ना हो, पैरेलल हो भी सकती है, वो डिपेंड करता है हमारे इस पर। और ज़्यादा ऐसी कर्व होंगे तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन शो करता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी आईसी कर्व की। इसके बाद छोटा सा पॉइंट हम भूल गए थे बट वो इम्पोर्टेंट है, वो डिस्कस करते हैं। पॉइंट है कि जो यूटिलिटी है क्या वो नेगेटिव भी हो सकती है। यूटिलिटी कैन मे बी नेगेटिव। हमने अभी तक एग्जांपल ऐसा कुछ नहीं किया कि जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव है, तो इसका एग्जांपल चेक करते हैं। पहली बात तो हाँ, यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने एक रोटी खाई। एक रोटी के खाने से मुझे जो है 8 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने दूसरी रोटी खाई, तो जैसे मैंने रोटी दूसरी खाई तो मुझे सेटिस्फेक्शन जो पहले मिला था, मतलब बहुत ज़्यादा भूख में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, तो मैंने एक खा ली। उसके बाद जब मैंने दूसरी खाई तो मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अब कम हो गया, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आपने एक खाई तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, बट आपने एक और खाई तो आपको सेटिस्फेक्शन कम मिला, फिर आपने एक और खाई तो आपको और सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा कम मिला, फिर आपने जो है एक रोटी और खाई। तो ऐसा एक टाइम ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं है ना कि आप जितनी ज़्यादा रोटियाँ खाओगे उतना आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, बल्कि यूटिलिटी में हमारा रिवर्स है। जितना हम ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होती जाएगी। मैंने एक रोटी खाई तो मुझे 8 सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने दो रोटी खाई तो मुझे सेटिस्फेक्शन अब कम मिलना शुरू हो गया, बिकॉज जो मेरा पेट था और जो जितना पहले खा लिया था मैंने, जितना पहले भूख था वो थोड़ा सा उसमें उतनी भूख नहीं है तो मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिला। फिर मैंने 3 खाई तो मुझे सेटिस्फेक्शन और भी कम मिला। फिर मैंने 4 खाई तो मेरा सेटिस्फेक्शन बिल्कुल गिरता गिरता 2 तक आ गया। फिर मैंने जैसे 5वीं रोटी खाई तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलने के बजाय मेरा जो सेटिस्फेक्शन वो डिक्रीज या फिर मतलब 0 हो गया, मतलब कि जो मेरा सेटिस्फेक्शन है वो अब बिल्कुल 0 हो गया। बिकॉज जो एक टाइम के बाद ऐसा है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा बिल्कुल कम हो जाता है, फिर नेगेटिव में भी चला जाता है। तो एक पॉइंट था कि यूटिलिटी हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं अपने गुड्स की यूनिट को उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा कम होता जाता है। अपने एक खाई थी तो 8 मिला, पर दूसरी रोटी खाने के बाद उससे सेटिस्फेक्शन हमें कम मिला। तीसरी खाई तो हमें 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अब जब हमने चार रोटियां खाई तो उससे हमारे पेट भर गया, मतलब उससे क्या हुआ, हमें सेटिस्फेक्शन बिल्कुल कम मिलना शुरू हो गया। अगर हम 5वीं और खा रहे हैं तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उससे, हम बस उसे खा रहे हैं बट हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, बिकॉज हमारा पेट यहाँ पर भर चुका है, हम ऐसे खा रहे हैं उससे सेटिस्फेक्शन हमें कोई भी नहीं मिल रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट रोटी और खाते हैं तो सेटिस्फेक्शन हमारा नेगेटिव में जाता है। तो ये हमारा एक पॉइंट था कि यूटिलिटी 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद हमारे 3 पॉइंट हैं कि कब कब इंक्रीजिंग रहेगा MRS, कब डिक्रीजिंग और कब कॉन्स्टेंट रहेगा। उसके बाद टॉपिक है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स, जैसा कि हमें पता है जो आईसी कर्व हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग कॉम्बिनेशन पर, तो हमें उन आईसी कर्व को सेम रखना है, मतलब हमें सेटिस्फेक्शन हमें सेम रखना है। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हम एक गुड वन की कुछ यूनिट्स को चाहते हैं सेक्रीफाइस कर, हम एक गुड वन की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि हम गुड टू की कुछ यूनिट्स को गेन कर सकें। जैसे कि अगर हमें एप्पल के एक यूनिट को एक्स्ट्रा गेन करना है तो हमें ऑरेंज की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मीन्स ये हुआ यूटिलिटी गेन्ड ऑफ एप्पल इज इक्वल टू यूटिलिटी लॉस ऑफ ऑरेंजेस, कि जो हमें ऑरेंज को लॉस करने से जो यूटिलिटी हमने सेक्रीफाइस की है वो हमें एप्पल के गेन करने से मिल जाएगी। तो वो हमारा होता है MRS, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अगर हमें गुड टू की कोई एक्स्ट्रा यूनिट गेन करनी है तो हमें गुड वन की उस यूनिट को कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा।
MRS का फॉर्मूला भी हमारा होता है लॉस ऑफ y, मीन्स हमें y का हमें कितना सेक्रीफाइस किया, फॉर एग्जांपल हमने ऑरेंज को कितना सेक्रीफाइस किया है डिवाइड बाय गेन ऑफ x, उस x को मीन्स एप्पल को एक्स्ट्रा गेन करने के लिए मैंने y को कितना, y का कितना लॉस है, ऑरेंज को कितना सेक्रीफाइस किया है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। तो ये मेरा फॉर्मूला है मार्जिनल ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स वाई। सिंपल सी बात है कि अगर आपको अपना आईसी कर्व सेम रखना है तो अगर आप गुड टू की कुछ यूनिट्स को एक्स्ट्रा गेन, कुछ यूनिट्स को गेन करना चाहते हैं तो आपको गुड वन की कुछ यूनिट्स सेक्रीफाइस करना होगा ताकि आप गुड टू की कुछ यूनिट्स को गेन कर पाओ। अगर आपको एप्पल एक्स्ट्रा खाना है तो आपको कुछ ऑरेंज सेक्रीफाइस करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एप्पल्स ज़्यादा कंज्यूम, एप्पल्स भी गेन कर रहे हैं और साथ साथ ऑरेंज को भी सेम यूनिट्स में कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपने एप्पल और एक्स्ट्रा कंज्यूम करना है तो आपको ऑरेंज सेक्रीफाइस करने होंगे। उसके बाद है कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो तीन टाइप का होता है। फर्स्ट है डिमिनिशिंग MRS, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड है इंक्रीजिंग MRS और थर्ड है कॉन्स्टेंट MRS। इंपॉर्टेंट है ये भी। डिमिनिशिंग MRS, देखो डिमिनिशिंग MRS का मतलब ये हुआ, सिंपल से पहले इसका मीनिंग समझते हैं। डिमिनिशिंग मतलब कि अगर हमें गुड वन की एक यूनिट को या कुछ यूनिट्स को एक्स्ट्रा गेन करना है तो जो गुड टू को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो डिमिनिशिंग होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल एप्पल ऑरेंज है और MRS है, हमने एप्पल को एक एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो सेक्रीफाइस किया ऑरेंज को, फिर हमने एप्पल को और कंज्यूम किया तो सेक्रीफाइस किया ऑरेंज को। MRS का रूल ही बोलता है कि अगर आप एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो आपको सेकेंड यूनिट, सेकेंड गुड का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने एप्पल और कंज्यूम किया तो आपने ऑरेंज सेक्रीफाइस करना पड़ा। बट इसमें देखने वाली बात यह है, एप्पल तो आप एक 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 ही कंज्यूम कर रहे हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, बट जो आपका सेक्रीफाइस है वो कम होता जा रहा है। जैसे आपका सेक्रीफाइस पहले 10 से 7 मीन्स 3 सेक्रीफाइस किया आपने, फिर आपने 7 से 5 मतलब 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया, फिर 5 से 4 मतलब 1, मतलब जो आपका सेक्रीफाइसिंग है वो आपका डिमिनिशिंग लेवल में है। पहले 3 सेक्रीफाइस किया है, फिर 2 सेक्रीफाइस किया है, और फिर 1 सेक्रीफाइस किया है। जो सेक्रीफाइसिंग है वो कम होता जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग हमारा डिमिनिशिंग मीन्स कम होता जा रहा है, तो वो हमारा होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हमारा सेक्रीफाइसिंग, सेकेंड गुड का सेक्रीफाइसिंग वाई गुड का लॉस हमारा कम होता जाए, डिमिनिशिंग होता जाए, तो वो हमारा होता है डिमिनिशिंग MRS। और इसमें हमारा आईसी कर्व कैसा बनता है, इसमें हमारा आईसी कर्व बनता है कन्वेक्स, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजन। कन्वेक्स आईसी कर्व बनता है हमारा इन द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, कन्वेक्स हमारा रहता है आईसी कर्व। उसके बाद आता है हमारा सेकंड इंक्रीजिंग MRS। इंक्रीजिंग मतलब जो हमारा y गुड का जो सेक्रीफाइस है वो इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल एप्पल की 1 यूनिट कंज्यूम की तो ऑरेंज की 10, एप्पल की 2 यूनिट कंज्यूम की तो ऑरेंज की 9, एप्पल की 3 की तो ऑरेंज की 7। मतलब पहले मैंने सेक्रीफाइस किया एक यूनिट का 10 से 9, फिर मैंने सेक्रीफाइस किया 2 यूनिट्स का, फिर मैंने किया 3 यूनिट्स का, तो जो यहाँ पे मेरा सेक्रीफाइसिंग है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लास्ट में मेरा क्या था डिमिनिशिंग में, 3, 2, 1, मीन्स जो सेक्रीफाइसिंग है वो डिमिनिशिंग कम होता जा रहा है। बट इंक्रीजिंग MRS में जो मेरा सेक्रीफाइसिंग है वाई गुड का वो मेरा इंक्रीज होता जा रहा है, तो उस केस में मेरा आईसी कर्व बनेगा कनकेव। कनकेव मीन्स इन्वर्टेड, मतलब जो राउंडेड है, इन्वर्ट मतलब अंदर की तरफ अगर राउंडेड होगा तो वो कनकेव आईसी कर्व होता है। तो डिमिनिशिंग में बनेगा कन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ राउंडेड, और इंक्रीजिंग MRS में बनेगा मेरा कनकेव आईसी कर्व, क्योंकि जो इसमें सेक्रीफाइसिंग है वो मेरा इंक्रीज होता जा रहा है वाई गुड का, और डिमिनिशिंग में मेरा जो सेक्रीफाइस है वाई गुड का वो डिमिनिशिंग मतलब कम होता जा रहा है। थर्ड है हमारा कॉन्स्टेंट MRS। कॉन्स्टेंट MRS मीन्स कि जो मैंने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया एक यूनिट को तो वाई गुड यूनिट का भी उतना सेक्रीफाइस किया, एक्स्ट्रा कंज्यूम किया एक तो वाई का भी उतना सेक्रीफाइस किया, मतलब यहाँ पे 1:1 में रहेगा। अगर आपने एक एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है तो वाई को भी एक्स्ट्रा एक सेक्रीफाइस, वाई को भी एक सेक्रीफाइस किया है, एक फिर से कंज्यूम किया तो एक फिर सेक्रीफाइस किया, मतलब जो आपका सेक्रीफाइसिंग है वो 1:1:1 ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो आपका सेक्रीफाइस अब कॉन्स्टेंट है
ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है, आपका सेक्रीफाइस कॉन्स्टेंट है, 111 ही है। तो उस केस में आई सी कर्व कैसा बनेगा? उस केस में हमारा आई सी कर्व स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड रहेगा बट स्ट्रेट लाइन रहेगा। टू गेट एन वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन, सेक्रीफाइस ऑफ गुड टू इज ऑल्सो वन। अगर आपका गुड वन का एक यूनिट एक्स्ट्रा आपने कंज्यूम किया है तो आपने सेकेंड गुड मीन्स वाई गुड का भी एक यूनिट ही सेक्रीफाइस किया होगा। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है वो कॉन्स्टेंट है। इस केस में हमारा आईसी कर्व रहता है स्ट्रेट लाइन कर्व, और स्लोपिंग डाउनवर्ड ही रहेगा बट स्ट्रेट लाइन रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा, एक ही हमने एक ही शीट पे कंप्लीट एमआरएस किया है, इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग और कॉन्स्टेंट। और कौन से एमआरएस में कैसा कर्व बनेगा ये डिस्कस किया है हमने, विद एग्जांपल डिस्कस किया है। इसके बाद हम देखते हैं बजट लाइन और प्राइस लाइन है। उसके बाद है हमारा बजट लाइन और प्राइस लाइन। तो जो बजट लाइन है या प्राइस लाइन है वो स्ट्रेट होती है और नेगेटिव स्लोप, मतलब हमेशा नेगेटिव स्लोपिंग होती है और स्ट्रेट होती है, जो हमें शो करती है दो कमोडिटीज़ का एक ऐसा कम्बिनेशन जो कोई कंज्यूमर परचेस कर सकता है अपनी मनी इनकम में, जो उसके पास इनकम है और उसी प्राइस पे वो परचेस कर सकता है। जैसे कि कंज्यूमर को परचेस करना है एप्पल और ऑरेंज, तो वो बजट लाइन कंज्यूमर की क्या होगी, बजट लाइन क्या होगी मीन्स कि वो कंज्यूमर उसी अपनी मनी इनकम में एप्पल और ऑरेंज कंज्यूम करे और जो उसको सेटिस्फेक्शन भी दे। तो ऐसा कम्बिनेशन जिसमें वो अपने जिसमें वो 5 एप्पल और 4 ऑरेंज भी परचेस कर पाए उसी इनकम में और उसी प्राइस पे जो प्राइसेस हैं और उसको सेटिस्फेक्शन भी मिले। बजट लाइन दैट शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ के अलग अलग कम्बिनेशंस बताता है जो कंज्यूमर परचेस कर सकता है अपनी मनी इनकम में। बजट मीन्स वही बजट जो उसकी, जो बजट मतलब कोई उसकी इनकम में वो कितना कर सकता है, कितना खर्च सकता है अपनी इनकम को, वो बजट लाइन हुई उसकी। तो बजट लाइन मीन्स जब वो अपनी इनकम में, अपनी मनी इनकम में किस कमोडिटीज़ को, किस कम्बिनेशन को परचेज कर सकता है, तो हमारे होते हैं बजट लाइन या प्राइस लाइन। उसके बाद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स कि उसकी गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस में ऐसा कम्बिनेशन शो करना गुड्स सर्विसेज का जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। मीन्स हमने बजट लाइन में देखा कि वो ऐसा कम्बिनेशन जो कोई कंज्यूमर परचेज कर सकता है, बट ऐसा कम्बिनेशन सर्विसेज का और गुड्स का जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे। अभी हमने सिर्फ बजट लाइन में देखा कि कोई कंज्यूमर है वो अपनी गिवन इनकम में 5 एप्पल और 4 ऑरेंज खरीद सकता है, परचेज कर सकता है, बट हम चेक करेंगे कि वो कम्बिनेशन उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है या नहीं। अगर वो कम्बिनेशन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो मीन्स वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। अगर कोई कंज्यूमर है वो उसने 5 एप्पल और 4 ऑरेंज परचेज तो कर लिए बट उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। बजट लाइन में हम चेक नहीं करते कि उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा या नहीं मिल रहा, हम सिर्फ देखते हैं कि वो अपने इनकम में उस चीज़ को परचेस कर पाए, उस कम्बिनेशन को परचेस कर पाए। बट हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेक करते हैं कि जो कम्बिनेशन वो परचेस कर रहा है वो उसको सेटिस्फेक्शन भी दे रहा या नहीं दे रहा, मीन्स वो कम्बिनेशन जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। जैसे उसने 5 एप्पल और 4 ऑरेंज परचेस किए, वो भी उसकी गिवन इनकम में आ गए। अगर वो 3 एप्पल और 7 ऑरेंज परचेस करता है तो वो भी उसके गिवन इनकम में आ जाते हैं। बट अगर हम सेटिस्फेक्शन के मामले में चेक करें तो ये कम्बिनेशन उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से रहता है, ये हमारा आईसी कर्व है और ये हमारे ये बजट लाइन है, ये हमारे सेकेंड आईसी कर्व है। तो जो ये पॉइंट है जो बजट लाइन को भी टच कर रहा है, मीन उसके बजट में भी आ रहा है और वहाँ उसको सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, तो ये पॉइंट हमारा रहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कि जहाँ उसको सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है और वो उसके बजट में भी आ रहा है। तो ऐसा कम्बिनेशन जो उसके बजट में भी हो, उसके गिवन इनकम में भी हो, उसके प्राइस को भी प्राइस को भी मीट कर पाए और इनकम में भी वो परचेज कर पाए, साथ साथ वो कम्बिनेशन उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे। तो जो सेटिस्फेक्शन देगा मैक्सिमम वही हमारा पॉइंट होगा कंज्यूमर
इक्विलिब्रियम का। कुछ कंडीशंस है इसकी, जैसे कि जो बजट लाइन है वो टेंजेंट टू आईसी रहेगी, और जो आईसी है हमारा वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा। तो ये हमारे दो कंडीशंस के साथ, दो कंडीशन हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ये छोटा सा टॉपिक था बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि जस्ट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पॉइंट कहीं से भी आए हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लास्ट, बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, क्रिटिसिज्म ऑफ आईसी, इंडिफरेंस का क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है, किस किस ने कैसे कैसे पॉइंट से इसकी आलोचना की है। तो क्रिटिसिज्म्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। हमने जो अजम्पशन ली थी कि कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर को नॉलेज है कि मुझे क्या कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या कंज्यूम करने से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितना मैं कंज्यूम करूँ सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये एक अजम्पशन हमारी रियलिस्टिक नहीं है। मतलब असलियत में ऐसा नहीं होता है कि कोई कंज्यूमर को पता हो। अब हमें थोड़ी पता है कि हम ज़्यादा एप्पल कंज्यूम करेंगे तो क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कम ऑरेंज कंज्यूम करेंगे तो क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितना एप्पल मैं और खाऊँ, कितने ऑरेंजेस कम खाऊँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये एक कंज्यूमर रैशनल है ऐसा एक अजम्पशन थी, बट वो अजम्पशन अनरियलिस्टिक है। ऐसा वास्तव में नहीं होता है कि कंज्यूमर को पता हो कि मैं कितनी ज़्यादा यूनिट खाऊं एप्पल की और कितनी कम यूनिट खाऊं ऑरेंज की कि मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिले। वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन ही है। ये क्रिटिसिज्म थी। सेकंड है कम्बिनेशन इन्वॉल्विंग रिस्क। हमने कम्बिनेशन तो बना लिए कि 1:4 का है, 2:7 का, बट हर कम्बिनेशन में कितना रिस्क है वो भी हम चेक नहीं करते हैं आईसी गॉफ के दौरान, तो भी क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकल। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता है कि आपको पता हो कि कितना कंज्यूम ज़्यादा करें, कितना कंज्यूम कम करें, कि आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिले, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकली नहीं होता है जो आपके मनी इनकम में भी आ जाए, प्राइसेस में भी आ जाए और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले, तो वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं है इस टाइप से। कुछ इमेजिनेशन ही है कि आपको एक एप्पल खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 10 ऑरेंज खाने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या फिर आपने एक एप्पल ऑरेंज खाया या फिर 3 ऑरेंजेस कम खाए तो आपको सेटिस्फेक्शन इक्वल ही मिल रहा है। तो कुछ सब कुछ इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकली नहीं है। सेम ही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। मेन बात है कि इसमें कुछ वास्तविकता नहीं थी कि ऐसा कुछ प्रैक्टिकल में ही होगा कि आपको पता हो कि इतने ऑरेंजेस कम खाने से या इतने एप्पल ज़्यादा खाने से आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सब कुछ इमेजिनेशन है। इसको एनालाइज करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। और अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी। मैक्सिमम यूटिलिटी आपको कहाँ मिलेगी उसकी भी अजम्पशन हमें अनरियलिस्टिक, उसकी अजम्पशन जो ली गई है वो भी अनरियलिस्टिक ही है। ये कुछ क्रिटिसिज्म है इंडिफरेंस कर्व के या आईएसओ यूटिलिटी कर्व के। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ आईसी कर्व का, जिसमें हमने डिस्कस किया आईसी कर्व क्या है और यूटिलिटी क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, और TU क्या है, MU क्या है। साथ हमने कवर किया है अजम्पशन ऑफ आईसी कर्व, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़, इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप है, कन्वेक्स ओरिजिन है, MRS क्या है, इंक्रीजिंग MRS, डिक्रीजिंग MRS, कॉन्स्टेंट MRS, साथ साथ बजट लाइन, प्राइस लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशंस और क्रिटिसिज्म। तो ये हमने कंप्लीट कवर किया है एक ही वीडियो के अंदर। इंडिफरेंस कर्व और आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारे इसी के साथ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और अगर आपको किसी और वीडियो पर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर वीडियो हम बनाएं तो आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख दीजिए, हम उसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो टॉपिक आपका पेपर टू कॉमर्स या पेपर टू मैनेजमेंट से रहेगा UGC नेट का, या कॉमर्स का किसी भी सब्जेक्ट से आप टॉपिक पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, उसी टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए वीडियो पर, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कुछ कमी लग रही है आपको वीडियो में तो कमेंट बताएं, ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो में कुछ भी कमी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब